हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीताज किचन। आज हम बनाएंगे पनीर मसाला। घर के रोज़ाना यूज़ होने वाले मसाले से हम इसको बना के तैयार करेंगे और इसका टेस्ट और लुक दोनों रेस्टोरेंट के पनीर के जैसा होगा। तो चलिए बनाते हैं पनीर मसाला। बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 हरी मिर्च ली है। ये हरी मिर्ची है, लाल हो गई थी तो मैंने उसी को ले लिया है। 1 इंच अदरक को मैंने पतला पतला और लंबा लंबा काट के ले लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियां ली है, छोटे साइज़ के थे। आप बड़े साइज़ के लहसुन की कलियां ले रहे हैं तो कम यूज़ कीजिएगा। इनको हम डाल देंगे मिक्सी के जार में, छोटा जार ही लीजिएगा। और इसी के साथ हम ले लेंगे एक बड़ा साइज़ का टमाटर। टमाटर आप नहीं डालना चाहते हैं तो उसका सॉल्यूशन मैं आगे आपको बताऊँगी। एक बड़ा साइज़ का प्याज डाल देंगे। और यहाँ पर पनीर मैंने घर पर ही निकाला था तो इसका अनवांटेड पार्ट को मैंने इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया था। इनको भी हम डाल देंगे और एकदम फाइन पीस के मसाला रेडी कर लेंगे। और बस यहाँ पे मसाला रेडी हो गया है तो इसको हम थोड़ी देर साइड में रखते हैं। फटाफट से एक पैन में 1 चम्मच ऑयल को गरम करेंगे। जब ऑयल बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा तभी हम पनीर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के लगभग पनीर लिया है और इनको हम डाल देंगे इस तरीके से। जब तेल गरम होगा तभी ऐड कीजिएगा तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे। अगर आपने इसको धीरे धीरे फ्राई किया तो ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा हाई फ्लेम में फटाफट से आप लगातार चलाते हुए इनको फ्राई कर लें। बस हल्का सा फ्राई करेंगे ऐसे लगातार चलाते हुए, अलटते पलटते हुए। और बस यहाँ पे पनीर में अच्छा कलर आ गया है, इससे ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने पनीर वाला पानी ले लिया है, जो पनीर फाड़ के निकला था पानी वही वाला है। हल्का सा गर्म पानी है, इसमें हम नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून के आसपास डाला है मैंने, और मिक्स कर लेंगे। इसमें हम फ्राई किए हुए पनीर डाल देंगे। अगर आपने मार्केट वाला पनीर का यूज़ किया है, आपके पास पनीर का पानी नहीं है, तो आप नॉर्मल पानी को हल्का सा गुनगुना करके उसमें नमक डाल के पनीर को ऐड कर दीजिएगा। और इस तरीके से डिप करके हम इसको साइड में रखेंगे। उसी पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड किया है और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1/2 टीस्पून जितना जीरा, 1 इलायची को इस तरीके से खोल के डालेंगे और 1 तेज़पत्ता डाला है मैंने, और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून के आसपास हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी को इस तरीके से ऑयल में बहुत अच्छे से मिक्स करके हमने जो मसाला रेडी किया है उसको डाल देंगे। पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाला जल ना जाए। आप चाहे तो इस समय फ्लेम को लो कर सकते हैं और फिर जो भी मसाला लगा हुआ है मिक्सी के जार में उसे बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून जितना मैंने पानी भी ऐड किया है और अच्छे से मसाला को पूरा निकाल के ले लिया है। मसाला को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो कर दिया है मैंने और कवर करके हम इसे 7 से 8 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में मैंने इसे चला दिया था और यहाँ पे 7-8 मिनट हो गए हैं। आप नोटिस करेंगे कि मसाला की क्वांटिटी कम हो गई है यहाँ पे, क्योंकि हमने इसमें प्याज टमाटर सब कच्चा यूज़ किया है। तो हम क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई में रख के मसाला को लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट और फ्राई कर लेंगे। और बस यहाँ पे मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है तो हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और 1/2 टीस्पून के आसपास मैंने गर्म मसाला पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो 2 टेबलस्पून दही में आप सूखे मसाले को ऐड कर दीजिएगा और लो फ्लेम में ही आप मसाला को अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लीजिएगा। सूखे मसाले को भी हम इस तरीके से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला हमारा रेडी है। तो हम क्या करेंगे, पनीर को पानी के साथ ही डाल देंगे। ये पानी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसमें हल्की सी खटास होती है तो पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पनीर को इस तरीके से हल्के गुनगुने पानी में डिप करके रखने से पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो जब भी आप घर में पनीर बनाते हैं तो इस तरीके से आप ग्रेवी में उसका पानी को इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी। एक बार बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। कवर करके हम इसे मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट पका लेंगे। 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे पनीर की सब्ज़ी बन के रेडी है। तो हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इस समय हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, जिससे कि पनीर की सब्ज़ी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप भी इस तरीके से पनीर की सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, टेक ए गुड केयर।